जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। इसी नारे के साथ आज समाजवादियों ने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत धरती पुत्र समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं समाजवाद के सारथी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जनपद के कोने कोने में समाजवादियों व उनके समर्थकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली, आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। पार्टी कार्यालय के साथ ही जिला सदस्यता प्रभारी चंद्रपाल सिंह यादव ने अपने आवास ऋषि एकेडमी गंगा तट पांचाल घाट, राम बाबू गुप्ता के आवास दीप पैलेस, श्री सोम हॉस्पिटल, महेंद्र सिंह कटियार के प्रतिष्ठान, महेंद्र गैस एजेंसी आदि जगहों पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरे भारत के सभी लोग लड़ाई में तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। हे नेता जी, इस युग का अंत कर गए, अब नए युग में पुनः जन्म लेकर के अब सबका उद्धार करो, गरीबों का, किसानों का, सबका नेता जी उद्धार करो। इसी के साथ तो वहीं सपा निवर्तमान जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी ने कस्बा शमशाबाद स्थित अपने आवास एवं गुमटी महादेव मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों समर्थकों के साथ नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जो प्रोग्राम चल रहा था उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जनपद के विभिन्न कस्बों और शहरों और नगरों में किया गया है। इसी क्रम में आज नगर शमशाबाद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित होकर माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम के दौरान समाजवादियों ने खूब आंसू बहाए और सपा के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विजय यादव ने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। किस व्यक्तित्व के नेता थे जो हमेशा अमर रहेंगे, कितनी भीड़, कितना जलसा, कितना प्रेम शायद ही किसी नेता के बीच में उनके जाने के बाद। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने उनके कई जो कई बातें, कई भाषण हमने उनके सुने। जैसे एक भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ वो मुख्यमंत्री थे और नेताजी मंच पर आ गए तो कार्यकर्ता बहुत जोर जोर से भाषण में कह रहा था जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद अखिलेश जी, जिंदाबाद। तो उन्होंने कहा जिंदाबाद करना तो ठीक है लेकिन केवल जिंदाबाद से ही काम नहीं चलेगा। कार्यक्रम के दौरान लोग आंसू बहा बहा कर नेताजी को याद करते रहे और सभी ने उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान अमृतपुर विधानसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने अपनी करहाती हुई आवाज में लोगों से कहा, तमाम चीजें लिखी हुई हैं लेकिन चौपाई के कई अर्थ होते हैं। नेताजी की बात को समझने के लिए बार बार हमें उनको देखना होगा, उनके वीडियो को, उनकी बातों को, और जो नेताजी कह गए हैं जो हमें एक दिशा दे गए हैं उसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।